बालौदा बाजार में पाठ्य पुस्तक निगम आयोग के अध्यक्ष और कांग्रेस प्रत्याशी शैलेश नितिन त्रिवेदी ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकार वार्ता में कांग्रेस प्रत्याशी शैलेश त्रिवेदी ने पाठ्य पुस्तक निगम आयोग में एक ही आईपी एड्रेस से कागज खरीदी के आरोप का खंडन किया। त्रिवेदी ने बताया कि पूर्व में भाजपा के प्रवक्ता ओपी चौधरी ने पाठ्य पुस्तक निगम में टेंडर प्रक्रिया में एक ही आईईपी एड्रेस से टेंडर होने का आरोप लगाया था और भाजपा द्वारा लगाया गया आरोप निराधार है। वहीं भाजपा के घोषणा पत्र पर तंज कसते हुए शैलेश त्रिवेदी ने सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस की घोषणाओं को भाजपा ने कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन जनता भाजपा के चंगुल में फंसने वाली नहीं है और कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। एनआईसी के द्वारा एक वेबसाइट में सारे टेंडर भरे जाते हैं, कोई भी टेंडर हो, होल एड्रेस, होल आईपी एड्रेस एक ही है, भरने वाले आईपी एड्रेस अलग अलग रहेंगे। यही इस मामले में हुआ था। भाजपा के ओपी चौधरी जी ने बयान जारी किया था, जब खंडन प्रकाशित हुआ तो भाजपा के पास फिर कोई और चीज बोलने के लिए नहीं थी। वो पुरानी बात 25 जनवरी की बात को बलौदा बाजार विधानसभा चुनाव में अपनी हार सामने देख के बौखलाहट में भाजपा ने उस झूठे आरोप को सोशल मीडिया में फैलाना चालू किया।